आज का वचन है प्रकाशित वाक्य 2:10। जो कलेश तू सहने पर है उनसे ना डर। देखो शैतान तुम में से कितनों को बंदी गृह में डालने पर है कि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिनों तक कलेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन कह रहा है? वचन हमें बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग से हमें चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह यहां पर था तो हमारा संरक्षक था, हमारा सहायक था। हालेलुया। हमारे आंसुओं को पोंछता था, हमें राह दिखाई है उसने, हमें शिक्षा दी है, हमें उपदेश दिए उसने, बताया है कि हमें जीवन को कैसे चलना है। हालेलुया। लेकिन इस अंतिम समय में रैप्चर से पहले वो 7 कलीसियाओं को चेतावनी देता है। उनमें से एक कलीसिया है सुमरना की कलीसिया। हालेलुया। उसको वो चेतावनी देता है कि जो कलेश तू सहने पर है उससे ना डर। कौन सा कलेश? हम क्यों डरते हैं? हमारा डर हमारे अंदर क्यों आता है? यीशु मसीह कहता है कि जो कलेश शैतान तेरे जीवन में लाने वाला है उससे मत डर, क्योंकि शैतान तुझे आजमाइश में डालेगा, बंदी गृह में डालेगा, ताकि तू परखा जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए इंसान कब परखा जाता है, इंसान क्यों परखा जाता है? जब आप मसीहत का इनकार करते हैं, और शैतान यही चाहता है कि आप मसीहत का इनकार करें। प्रेज द लॉर्ड। शैतान आपको फंसाता है, षड्यंत्र में डालता है, आपके जीवन में कलेश लाता है, और इतना कलेश ताकि आप डर जाएं और आप परमेश्वर की निंदा करें, इनकार करें कि यीशु कोई था। आप इनकार करें कि नहीं, मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता हूं। आप कलेश में इतने दुखी हो जाते हैं, आप कलेश से इतने डर जाते हैं, और यह शैतान की चाल है। इसलिए यीशु मसीह चेतावनी दे रहा है कि तुम्हें कलेश से डरना नहीं है, कलेश तुम पर आएंगे। हालेलुया। जब हम उस स्वर्ग को पाने वाले हैं, जब हम उस यीशु मसीह को पाने वाले हैं, जब हम परमेश्वर की आत्मा को पाने वाले हैं, जब हम वो स्वर्ग, वो आशीष, वो अधिकार, वो सुख को पाना चाहते हैं, पाने वाले हैं, जो अनंत काल का है, अनंत काल का है, बाइबल कहती है कि वो कलेश आएंगे। हालेलुया। मुझे यहां पर अय्यूब के बारे में याद आता है। अय्यूब एक ऐसा बाइबल में शख्स है, बहुत लोग आप लोग जानते होंगे अय्यूब, जो खरा निकला परमेश्वर की नगरों में। अगर धरती पर कोई धर्मी था तो अय्यूब था। मैं आपको बताऊं कि अय्यूब और परमेश्वर का रिश्ता कितना पवित्र है। मैं जब इस रिश्ते को देखता हूं तो मुझे इतना सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि जितना परमेश्वर अय्यूब को जानता था उतना ही अय्यूब परमेश्वर को जानता था। हम इस संसार में कलेश में रहते हुए परमेश्वर के आनंद में कैसे जिएंगे? जब आप परमेश्वर को जानेंगे, जब आप परमेश्वर को जान लेंगे। अय्यूब परमेश्वर को जानता था। इतना दुख, अगर अय्यूब की किताब पढ़ेंगे आप तो आप पाएंगे कि पहले चैप्टर में ही जब शैतान ने उसको परखने के लिए परमेश्वर से आज्ञा मांगी और परमेश्वर ने कहा जा, मैं जानता हूं कि मेरा बेटा अय्यूब खरा है, उसके जीवन को छोड़ देना, बस जा उसे परख, और 1 घंटे के अंदर ही अंदर उसका संसार खत्म हो गया, उसका धंधा खत्म हो गया, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसके नौकर चाकर, उसके भेड़ बकरी, उसकी सारी जमा पूंजी 1 घंटे के अंदर खत्म हो गई। लेकिन फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसकी पत्नी ने कहा कि अय्यूब, उस परमेश्वर ने जिसको तो पूछता है उसने सब कुछ तेरा ले लिया है, अब उसकी निंदा कर। अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा कि उसी ने दिया है, उसी ने लिया है, मैं क्या लेकर आया था, मेरे पास क्या था, मुझे देने वाला कौन है? परमेश्वर। आज बाइबल हमें बताती है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे कि परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर ने जो हमें खजाना दिया है, हमें जो दौलत दी है,
हमें जो मान और सम्मान दिया है हम उसके अधिकारी नहीं थे। धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया, धन्यवाद कि उसने हमारी आत्मा को जिंदा किया, हमारे मन को नया किया। हम इस योग्य नहीं थे मेरे भाई, और ये अय्यूब जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान कहता है परमेश्वर से कि तूने अय्यूब को बहुत सी चीजें दी हुई हैं, उसको धन से लबालब तूने भरा हुआ है, मान और सम्मान दिया है, तूने सब कुछ दिया है, इसीलिए वो तेरी इज्जत करता है, इसीलिए वो तुझे गाता है, इसीलिए वो तेरी स्तुति आराधना करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो खरा है, जा और उसे परख। और जब शैतान ने परखा, जब शैतान ने सब कुछ छीन लिया, अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की, अय्यूब ने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। वो क्या कहता है, अय्यूब 23 का 10 11 12 हम पढ़ेंगे। देखिए अय्यूब कितना प्रभु को जानता था। मेरे भाई यीशु मसीह यही तो धरती पर आया था बताने के लिए कि तू परमेश्वर को जान, तू पिता को जान। हमें पिता को जानना है, उस पिता को जानना है, उसके मन को जानना है, उसकी योजना को जानना है, उसने हमारे बारे में क्या क्या सोचा हुआ है वो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। अय्यूब जानता था। अय्यूब क्यों उस कलेश में स्थिर रहा, अय्यूब क्यों उस परीक्षा में स्थिर रहा, क्योंकि वो जानता था। क्या जानता था, सुनिए, वो कहता है परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर मेरा चाल चलन जानता है। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 139 का 1, तो वो कहता है कि परमेश्वर वो है जो मेरा चाल चलन जानता है। अय्यूब यहां पर कहता है कि वो परमेश्वर मेरा चाल चलन जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे जानता है कि मैं कितना खरा हूं। वो कहता है कि वो मेरा चाल चलन जानता है। जब वो मुझे परख चुकेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने परखे जाने पर डरते हैं, हम परीक्षा देने से डरते हैं, हमारे मन में डर आता है, भय आता है कि कहीं परीक्षा में हम पास होंगे कि नहीं होंगे। रैप्चर में जब यीशु मसीह आएगा हमको उठाने के लिए, क्या मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन का 100% परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपके मन में डर है कि कहीं ना कहीं वो पाप हो रहा है, कहीं ना कहीं वो गलतियां मुझसे हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो लालच मेरे अंदर अभी भी है, कहीं ना कहीं अभी भी घृणा मेरे अंदर है, इसलिए हम डरते हैं और शैतान उसका फायदा उठाता है। लेकिन अय्यूब जो पूरी तरीके से पवित्र था, खरा था, प्रेज द लॉर्ड, वो कहता है कि परमेश्वर मेरा चाल चलन जानता है। अब देखिए अय्यूब और परमेश्वर का संबंध कितना गहरा है। उधर परमेश्वर कहता है शैतान से कि मैं जानता हूं कि धरती पर एक ही धर्मी है और वो खरा है और उसका नाम अय्यूब है। इधर अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर को क्योंकि वो मेरा चाल चलन जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। इसलिए सब कुछ खोने के बाद भी वो विचलित नहीं हुआ, वो विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, वो जानता था कि मुझे देने वाला कौन है। हम कभी कई बार अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारी ताकत से है, हमने कमाया है, हम कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम लाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल हमें बताती है, मेरी बहन मेरी बच्ची, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते। हम क्या दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं। जैसे पिछली बार मैंने बताया था, अगर आप ये सोचते हैं कि हमें चर्च में आकर समय देता हूं तो जीवन उसने दिया है, और अगर आप ये सोचते हैं कि चर्च में आकर दान दशांश देते हैं तो पैसा उसने दिया है। हमने, हमारा पास क्या है जो हम देते हैं। हालेलुया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ये जानता है अय्यूब कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए वो कहता है कि परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है। जब वो मुझे परख चुकेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया, ऐसा विश्वास
परमेश्वर हर भाई यही चाहता है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर, स्वर्ग में बैठकर कलीसिया को, सुमरनिया की कलीसिया को चेतावनी दे रहा है, अगर तू कलेश में पड़े तो डरना मत, डरना मत। ये चेतावनी परमेश्वर ने अय्यूब को तो नहीं दी? हेलो, क्या बाइबल में चेतावनी अय्यूब को दी परमेश्वर ने? नहीं दी। शैतान को बोला परमेश्वर ने, जा उसको परख। क्या उसने अय्यूब को बोला कि अरे अय्यूब अगर तू परखा जाएगा तो घबराना मत? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो जानता था कि वो खरा है। यीशु मसीह स्वर्ग से हमें चेतावनी क्यों दे रहा है? क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि हम अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, हम अभी तक संपूर्ण नहीं हैं, हमारे अंदर अभी भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, हम अभी भी बहक जाते हैं, हमारे अंदर अभी भी गुस्सा है, हमारे अंदर पूरी दीनता नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह स्वर्ग से, क्योंकि उसे हमारी चिंता है, वो कहता है जिन बच्चों को मैंने चुना है, जिन बच्चों को मैंने अपना बनाया है, वो बच्चे मेरे स्वर्ग में आए और मेरे साथ जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है। लेकिन अय्यूब जो परमेश्वर को जानता था, वो कहता है कि मेरा चाल चलन वो जानता है। 11वां, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी मार्ग का बिना मुड़े थामे रहा। आमीन। क्या आप कह सकते हैं आज कि मेरे मार्ग यीशु के मार्ग पर स्थिर रहे? नहीं, क्योंकि आप कलीसिया आते हैं एक दिन, 6 दिन आप घर में रहते हैं, 6 दिन संसार में रहते हैं आप, 15 मिनट प्रार्थना करते हैं और 24 घंटे संसार का जीवन जीते हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का अंगीकार करने के लिए आप घबराते हैं, शर्माते हैं, 100% आप नहीं दे पाते हैं, आप चला रहे हैं अपने आप को। आपने यीशु मसीह को चुन लिया है कि बस यीशु मसीह मेरा हो जाए, लेकिन मन में सोचते हैं कि कहीं और से भी मुझे फायदा हो तो वो कोई नाम मुझे दूसरा मिले, कहीं मैं भागूं। और मेरे भाई, दूसरा कोई नाम इस धरती पर नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए वो कहता है विश्वास के संग, दृढ़ता के साथ। इसलिए परमेश्वर कहता है शैतान से, जा जा मेरे बच्चे को परख, क्योंकि वो सोने की तरह है, उसका पथ सही है। 12वें में क्या कहता है? मैं उसके होठों की आज्ञा से हटा नहीं हूं, मैंने उसके मुंह के वचनों को अपने दैनिक जीवन से भी अधिक बहुमूल्य जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन मेरे भाई मेरी बहन, उसके वचन मेरे लिए बहुमूल्य होंगे, मेरे जीवन से भी ज्यादा आपका बहुमूल्य होंगे, मेरे रिश्तों से भी ज्यादा बहुमूल्य होंगे, उस दिन वो खरापन, उस दिन वो सामर्थ, उस दिन वो आत्मिक शक्ति आपके जीवन में आपके साथ होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, इस अंतिम समय में हमें यीशु की चेतावनी को समझना है, हमें यीशु की चेतावनी को समझकर उसको अमल करना है, अपने अंदर मैं और अहंकार नहीं लाना है, दीनता के साथ प्रार्थना में रहना है, नम्रता के साथ प्रार्थना में रहना है। यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ा और धरती पर आए। क्या छोड़ा? स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए। हम जरा सी हमारी नौकरी छूट जाती है, हम इनसिक्योर हो जाते हैं, हमारे चर्च के पास कोई दूसरा चर्च खुल जाता तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं, अरे ये दूसरा चर्च खुल रहा है यार, क्या हुआ, हमारे लोग वहां तो नहीं चले जाएंगे। हमारी 2 आत्माएं चर्च छोड़कर चली जाती, हम इनसिक्योर हो जाते हैं, क्या हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए, क्योंकि वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। मेरे भाई, इस अंतिम समय में परमेश्वर ने कहा है ना, जब 2 या 3 विश्वास के संग उपलब्ध होते हैं, विश्वास करिए आने वाले सालों में विश्वासियों की गिनती कम होती जाएगी, क्योंकि संसार उन्हें लेगा,
वो कलेश बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अभी से अपने आप को परिपक्व बनाना है, मजबूत बनाना है, क्योंकि वही जीवन है, वही ज्योति है, उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, वही जीवन देने वाला है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि देखो शैतान तुम में से कितनों को बंदी गृह में डालने पर है कि तुम परखे जाओ, तुम उसका इनकार करो। याकूब 1:12, आप जब परखे जाते हैं तब आपकी परीक्षा है। इसलिए बाइबल बताना चाहती है, यीशु मसीह कहता है कि आप किस तरीके से चर्च में आते हैं, आपका आना बैठना, आप किस तरीके से यीशु को लेते हैं। हालेलुया। कौन सा स्थान है यीशु मसीह का आपके दिल में? शैतान बंदी गृह में आपको डालने पर है ताकि आप परखे जाएं, लेकिन बाइबल कहती है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अय्यूब परीक्षा में स्थिर था, इसलिए उसे जीवन का मुकुट मिला। वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके लिए की है, निश्चय आपके लिए जीवन का मुकुट है जब आप परीक्षा में स्थिर रहते हैं। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि जब वो धैर्य करके, सब्र करके, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए की है। हालेलुया। यहां मैं आपको दो सदस्यों से मिलवाऊंगा, दो करेक्टर से मिलवाऊंगा। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए तो उनके साथ दो चोर भी थे। हालेलुया। दो चोर भी लटकाए गए, एक बाएं और एक दाएं। हालेलुया। हम उस वचन को पढ़ेंगे ध्यान से, फिर उसके बारे में आपको बताऊंगा। लूका 23:39-43 के बीच में वो दो चोर, हमें उन दो चोरों के द्वारा हमें कुछ पता लगता है उस परीक्षा के बारे में, खरेपन के बारे में, स्थिरता के बारे में और मुकुट के बारे में। हालेलुया। पढ़िए बेटा 39 से। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करने कहा, क्या तू मसीह नहीं जो फिर अपने आप को और हमें बचा? एक चोर जो बाएं हाथ में था वो तड़प रहा था, क्रूस पर था, कीलों से जड़ा हुआ था, दर्द हो रहा था, उसका लहू बह रहा था। वो कह रहा था, क्या तू मसीह नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तू मसीह है तो हमको बचा। आगे बढ़िए, जल्दी पढ़िए। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वह दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। एक चोर जिसने सजा पाई, जो परीक्षा में था, जिसने कलेश उठाया, वो कहता है, यीशु क्या तू मसीह नहीं है? यीशु शांत था। आप सोचिए, आप उस दृश्य को देखिए, आप यीशु मसीह के मनस्थिति को देखिए। यीशु मसीह वो जो दीन है, यीशु मसीह जो नम्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सब कुछ जानता है। पूरी दुनिया की रचना यीशु मसीह के द्वारा हुई, यीशु मसीह के लिए हुई और यीशु मसीह में हुई। हालेलुया। वो क्रूस पर था, वो क्रूस पर था और वो उसकी बात सुन रहा था, उस चोर की बात। वो कह रहा था, क्या तू मसीह नहीं है? वो मसीह है। लेकिन आप किस मसीह की बात कर रहे हैं? आपको वो मसीह चाहिए जो आपको दुखों से दूर कर दे, आपको वो मसीह चाहिए जो आपको बीमारियों से चंगा कर दे, आपको वो मसीह चाहिए जो आपकी मुश्किलों को आसान कर दे, आपको वो मसीह चाहिए जो ये जीवन में आपको आनंद दे। लेकिन यीशु मसीह वो मसीह है जो आपको श्रापों से मुक्त करने के लिए आया। यीशु मसीह वो मसीह है जो आपको पापों से मुक्त करने के लिए आया। यीशु मसीह वो मसीह है जो आपको अनंत काल का जीवन देकर अपने साथ रखने के लिए आया। आप किस मसीह की बात कर रहे हैं? आप चर्च में किस मसीह से मिलने के लिए आते हैं?
जो आपका क्षणिक सुख दे, जो आपको आज का सुख दे, या अनंत काल का सुख दे। वो चोर क्षणिक सुख मांग रहा था, मुझे बचा, अभी बचा, अभी का सुख दे मुझे। यीशु मसीह ने कहा, पिता परमेश्वर इन सबको माफ करो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया उनका मजाक उड़ा रही थी, सैनिक उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके मुंह पे थूक रहे थे, उसे बड़ा भूला कह रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे यीशु मसीह का। वो कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा। कोई यहां से मारता था तो कोई वहां से मारता था, और बोलते थे पहचान किसने मारा। हालेलुया, उस रचयिता की परीक्षा कर रहे थे वो लोग। यीशु मसीह कुछ नहीं बोला, वो जानता था कि वो कौन है, वो जानता था एक वो मसीह है, वो जानता था। लेकिन जब ये दूसरा चोर जब ये सुन रहा था, और दूसरे चोर ने जब सुना कि यीशु मसीह कौन है, वो पापी नहीं है, वो एक परमेश्वर है, हालेलुया, वो दूसरा चोर क्या बोला कि जब तू हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। 41 से पढ़िए, 41 से। और हम तो नए अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा चोर जानता था कि हम पापी हैं, दूसरा चोर जानता था कि हमें क्या सजा मिली है। प्रेज द लॉर्ड। यही बाइबल यही चाहता है यीशु मसीह आपको सिखाना, कि आप जाने कि आपने पाप किया है। जिस दिन हम एहसास कर लेंगे कि हमने पाप किया है, जिस दिन हम महसूस कर लेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है, जिस दिन हमारे अंदर ये जिज्ञासा, जिस दिन हमारे अंदर ये बोझ होगा कि हमने जो किया है पाप किया है और हमें यीशु की जरूरत है, उस दिन आपको, उस पल आपको यीशु मसीह मिल जाएगा। उस पल आपको यीशु मसीह मिल जाएगा। ये दूसरा चोर जान गया था कि मैंने पाप किया है। आप उस दृश्य को देखिए, दूसरा चोर सजा पा चुका है। हालेलुया, हम सजा मिलने से पहले पश्चाताप कर रहे हैं। आज हम यहां पर पश्चाताप कर रहे हैं, कैसे? हेलो, ध्यान दीजिए, आज हम यहां पर हैं, हमने प्रभु को पाया है, हमने उद्धार पाया है, हमने सजा मिलने से पहले पश्चाताप किया है। आमीन। लेकिन वो दूसरा चोर सजा मिलने के बाद पश्चाताप कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो पहचान गया है कि वो ही मसीह है। वो नहीं चाहता कि मुझे ये जीवन मिले, वो नहीं चाहता कि मैं क्रूस से निकलूं, वो चाहता है कि मैं यीशु के साथ स्वर्ग जाऊं और अनंत काल का जीवन पाऊं। आप क्या चाहते हैं? आप किस मसीह से मिलने के लिए आए हैं? कौन सा मसीह आपको चाहिए? वो मसीह जो आज का सुख दे, या वो मसीह जो अनंत काल का सुख दे? आपको अगर अनंत काल के सुख की चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको अनंत काल का सुख चाहिए, तो आपको परीक्षाओं में स्थिर रहना पड़ेगा। परीक्षाओं में स्थिर रहना पड़ेगा। हालेलुया, बहकना नहीं पड़ेगा। वो चोर परीक्षा में स्थिर था, वो दर्द से करा रहा था, खरा निकला, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उसने जीवन का मुकुट पाया। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप उस जीवन के मुकुट का महत्व समझ लेंगे ना मेरे भाई, जिस दिन हम उस जीवन के मुकुट का महत्व समझ लेंगे जो परमेश्वर हमें मुफ्त में देना चाहता है, उस दिन हमारे लिए ये दुनिया का क्लेश, ये दुख, ये मुसीबत, हम इनसे प्यार करने लगेंगे। हालेलुया, हम इनसे प्यार करने लगेंगे। इसलिए पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहता है, आनंद से रहो। अगर आप दिखा लें फिलिपियों 4:2, सदा आनंद से रहो। उसने क्या कहा? आनंद से रहो। प्रेज द लॉर्ड। हर पल, हर क्षण, कैसी भी स्थिति हो, हमें जीवन में आनंद का जीवन बिताना है।
क्योंकि वो जो महिमा, क्योंकि वो जो कृपा, वो जो स्थान, वो जो सिंहासन, वो जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है, वो किसी भी कलेश से कहीं ऊपर है। हालेलुया, प्रभु में सदा आनंदित रहो। देखिए वचन, देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो देखिए आप, पौलुस जानता है कि आपका आनंद क्षणिक है, आप कुछ पलों के लिए आनंद रहते हैं। आपका आनंद क्या है? आज पगार मिली आपका आनंद है, आज घर में मटन बन गया आपका आनंद है, आज बेटा पास हो गया आपका आनंद है, पगार खत्म आनंद खत्म, मटन खत्म आनंद खत्म। इसलिए वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, वो बार बार आपको याद दिलाता है, मैं फिर कहता हूं अपना आनंद मत खो मेरे बच्चे। विश्वास करिए, अगर आप ये समझते हैं कि आपका भविष्य खतरे में, अगर आप ये समझते हैं कि आपका बाप छोड़ गया है, आपकी मां आपको छोड़ गई है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है और मेरा भविष्य खतरे में है, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उजियाला है। अगर यीशु मसीह का हाथ आपने थामा हुआ है दृढ़ता के साथ, मैं आपको चैलेंज देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं कि भविष्य आपका है। मत डरिए आप उस दुख से जो क्षणिक है, रोमियो 8:18, मत डरिए उस दुख से जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम जिन दुखों से डरते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है मेरे भाई, कोई अस्तित्व नहीं है, वो हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि हम दुख को जानते ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हम छोटे से छोटे दुखों के लिए डर जाते हैं, छोटे से छोटा दुख हमें डर पैदा कर देता है। कोई हमसे अच्छा, अगर हम जहां काम करते हैं और कोई अच्छा इंग्लिश बोलने वाला आ गया, हम डर गए, अरे अभी आ गया है। कोई पढ़ा लिखा हमारे साथ काम करता, हम डर जाते हैं। हमारी एज हो गई है, अगर कम एज वाला आ गया और वो काम कर रहा है, हम डर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हर पल इनसिक्योरिटी, असुरक्षा हमारे जीवन में काम करती है, क्योंकि हम आनंद लेना भूल गए हैं, हम उसे जान ही नहीं पा रहे हैं उस डर की वजह से। असुरक्षा की भावना हमारे अंदर इतनी है कि हम प्रभु के आनंद तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए रोमियो 8:18 कहता है कि ये जो कलेश है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, कुछ भी, इनका अस्तित्व कुछ भी नहीं है जब वो हम पर प्रकट होगी। हालेलुया, और मेरे भाई बाइबल कहती है कि प्रभु आपको किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जो आप सहन नहीं कर सकते। पहला कुरिन्थियन 10:13, आप विश्वास करिए, हम परीक्षाओं से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि परीक्षाएं आएंगी और हम असफल हो जाएंगे। नहीं, आप क्यों नहीं सोचते हैं वो पवित्र आत्मा जो सामर्थ्य है, वो यीशु जो हमारे साथ है, जो यीशु जिसने वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा। भजन संहिता 91:15 कहता है, चाहे कैसा भी संकट क्यों ना हो, वो मेरे साथ रहेगा। तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। कभी भी परमेश्वर आपको किसी ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जो आपके सहने से बाहर है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसको जानो, उसको समझो।
जिस दिन हम उसे समझने लगे ना, इसलिए जब आप कलीसिया आए तो उससे प्यार करने के लिए आए, उसे समझने के लिए आइए, अपने आप आपको मिल जाएगा। जितना आप उसके करीब जाएंगे उतना ही आपको आशीष मिलेगा, जितना आप करीब जाएंगे उतना आप उसको समझेंगे और उतनी ही आप में दृढ़ता आएगी। फिर कोई भी रिश्ता, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको हिला नहीं सकती, सिचुएशन आपको कोई हिला नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब परमेश्वर को जानता था, उसको समझता था वो। प्रेज द लॉर्ड। उसका सब कुछ चला गया। 10 दिन हमारी नौकरी नहीं होती हम दोष देने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप एक उस वृक्ष की तरह हैं आप, जो आप हमेशा फलवंत रहेंगे चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो। आप वो वृक्ष हैं। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 1 निकालिए, भजन संहिता 1:3। वो उस वृक्ष के समान है जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो मनुष्य करता है उसमें सफल होता है। जिस दिन आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर को जानते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चलते हैं, आप उस वृक्ष की तरह है जो हर मौसम में फलता है। और जिस दिन आप ये जान लेंगे मेरे भाई, देखिए, जिस दिन आप ये जान लेंगे कि मैं वो वृक्ष हूं जो हर मौसम में फलता है, मैं आपको बताऊं, अय्यूब ये जानता था। अय्यूब का 14वां, अय्यूब 14:7-9, बोलिए मैं वृक्ष हूं। हेलो, एक आदमी बोल रहा है, बोलिए मैं वृक्ष हूं, मैं वृक्ष हूं, मैं फलवंत वृक्ष हूं, मैं फलने वाला वृक्ष हूं, मैं हर ऋतु में फलने वाला वृक्ष हूं। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो अंगीकार आप गलत कर रहे हैं। आप अंगीकार करिए, क्योंकि अंगीकार ही आपको आशीष देगा। बोलिए मैं वृक्ष हूं, मैं फलने वाला वृक्ष हूं, मैं हर मौसम में फलने वाला वृक्ष हूं। आमीन। और अगर जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि आप वृक्ष हैं और फलवंत वृक्ष हैं, उस दिन वो क्या कहता है, वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वृक्ष की आशा क्या है, अगर उसकी आप उसको काट भी डालेंगे तब भी पनपेगा, क्योंकि उसकी जड़ जीवित है। मेरी जड़ कौन है? मेरी जड़ कौन है? हमारी जड़ कौन है? और यीशु जीवित है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, इसलिए मैं हमेशा फलवंत रहूंगा। हालेलुया। हमें कोई गिरा नहीं सकता, हमें कोई मिटा नहीं सकता, हमें कोई भी किसी परीक्षा में पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं वो वृक्ष हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अय्यूब जानता था, मैं वो वृक्ष हूं कि मैं पनपूंगा। इसलिए वो जानता है कि मेरा चाल चलन मेरा पिता जानता है, जो मैं करता हूं वो सही है। आज आप खाना बना के आई हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपने सब कुछ अच्छा डाला है। आपको फोन करने की जरूरत है, चख लेना नहीं, यू नो कि मैंने जो बनाया वो अच्छा ही होगा। इसी तरीके से आपको अपने जीवन के ऊपर अधिकार होना चाहिए, अपने जीवन पर गर्व होना चाहिए, अपने कामों पर गर्व होना चाहिए कि जो मैं वचन पर चल रहा हूं मैं अच्छा ही चल रहा हूं। इसीलिए परमेश्वर, इसीलिए यीशु जो सिंह के समान इस समय स्वर्ग में है, वो चुनौती दे रहा है कि शैतान से डर मत, आने वाले कलेश से डर मत, मत डर, क्योंकि अगर तू डर गया तो सारी मेहनत तेरी बेकार। सुमरना की कलीसिया दिखाइए 2:10।
प्रकाशित वाक्य 2:10, तू मत डर, क्योंकि अगर तू डर गया तो तू जीवन का मुकुट नहीं प्राप्त करेगा। हमारे लिए सबसे जरूरी है वो जीवन का मुकुट जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए देने की प्रतिज्ञा की है, वो जीवन का मुकुट हमारे लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो दुख तुझको झेलने हैं, रेवेलेशन 2:10, यस, जो दुख तुझे को झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो सैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखी जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 48:10 कहता है, शुद्ध तो किया है लेकिन चांदी की तरह नहीं, मैंने तुझे दुख की भट्टी में डालकर परख लिया है क्योंकि तू सोना है। परमेश्वर, आप जानते हैं सोना जब सुनार कब परखता है, सोने को वो आग में डालता है, तपाता है, और बार बार उस सोने को निकालकर सुनार देखता है। क्या देखता है पता है? अपनी शकल। जिस उस सोने को इतना जलाता है, इतना तपाता है कि जब तक उसकी शकल ना दिख जाए वो सोने को तपाता रहता है। हालेलुया, परमेश्वर हमें इसी तरीके से तपाना चाहता है ताकि हम शुद्ध सोने की तरह परमेश्वर के सब चरणों में रहें और वो जीवन का मुकुट प्राप्त करें जो हमारा है। यूसुफ के बारे में कितने लोग जानते हैं? कई लोग, आप लोग जानते होंगे यूसुफ के बारे में, उसकी कहानी आपको पता होगी कि किस तरीके से वो परीक्षा में पड़ा। वो अपने बाप का इकलौता बेटा था, अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा खाना खाता था, उसका बाप उसे बहुत प्यार करता था। हालेलुया, लेकिन उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और वो पोतीपर के पास आया मिस्र में, वहां पर वो दास बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। कहां था वो? राजाओं की तरह, एक राजकुमार की तरह अपने जीवन को बिता रहा था, लेकिन उसके जीवन में परीक्षाएं आई, कलेश आए, और वो स्थिरता उसके जीवन में रही, वो पोतीपर के घर में रहा। वहां भी पोतीपर की वाइफ ने उसे आजमाइश में डाला, उसको गंदी निगाह से देखा, लेकिन यूसुफ परमेश्वर का पुत्र था, वो जानता था परमेश्वर की योजनाओं को, जानता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने मेरे बाप दादाओं के साथ, मेरे पूर्वजों के साथ जो वाचा बांधी है मुझे उस वाचा को लेकर चलना है। क्या था उसके पास? यूसुफ के पास परमेश्वर की वाचा। उसको परीक्षा में स्थिर कौन कर रहा था? परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसके प्रोमिसेस। क्या किया था प्रोमिसेस परमेश्वर ने इब्राहिम के से? कि मैं तेरे वंश को 400 साल तक किसी दूसरे देश में गुलाम बनाकर रखूंगा और उसके बाद मैं उनको निकाल के लाऊंगा। यह परमेश्वर की योजना थी और यह योजना यूसुफ जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों वो दृढ़ रहा, क्यों वो परखा नहीं गया? क्योंकि उस परमेश्वर की योजना उसके अंदर थी। उसने पिता को याद नहीं किया, उसने अपने बेटे को याद नहीं किया, उसने पोतीपर से ये नहीं कहा कि मैं एक राजकुमार था, उसने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर भेज दो, उसने पिता की योजनाओं को अपने माथे पर रखा कि नहीं, मुझे पिता की योजनाओं के अनुसार चलना है। वो जानता था, 2 साल तक जेल में रहा, 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसे स्वप्न दिखाए, उसे बताया कि तू कौन है, उसे बताया कि मैं तेरे द्वारा क्या करना चाहता हूं। 13 साल तक वो दासत्व की जिंदगी जी रहा था और जब वो 30 साल का हुआ जेल से निकला और परमेश्वर ने उसे वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। ये सारी परमेश्वर की वाचा का, परमेश्वर की योजनाओं का हिस्सा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब पढ़ेंगे 46, 47, 48, तो आपको पता चलेगा 7 साल के अकाल के बाद जब यूसुफ अपने भाइयों को, अपने पिता को लेकर आता है मिस्र में, याद रखिए, ध्यान से सुनिए, हालेलुया, उत्पत्ति
46, 31 to 34 निकाल कर रखिए आप, 46 का 31 से 34 के बीच में, जब यूसुफ अपने बाप को, याकूब को, अपने 11 भाइयों को जब वो मिस्र में लेकर आता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ध्यान दीजिए, इस समय यूसुफ कौन है वहां का, कौन है वहां का, राजा, राजा से एक कदम, सारी सारी ताकत किसके पास थी, यूसुफ के पास थी। फिरौन ने बोल दिया है कि तू जो करना चाहे कर, उसके पास सारी ताकत थी, मिस्र उसके अंडर था, वो मिस्र का राजा था, समझो आप, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके लिए परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का वाचा, परमेश्वर की जो वाचा है वो महत्वपूर्ण थी। सुनिए क्या कहता है 46:31 to 34 के बीच में। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता से, पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन और यह कहकर समाचार दूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाए हैं क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे, जब फिरौन तुमको बुलाकर पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, तुम्हारा व्यवसाय क्या है, तुम क्या करते हो, तब यह कहना, मैं तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसे ही करते थे, इसे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे क्योंकि सब चरवाहे से मिस्री लोग घृणा करते हैं। आमीन। ध्यान से समझिए, देखिए परमेश्वर से यूसुफ कितना प्रेम करता था, उसकी वाचा से परमेश्वर कितना प्रेम करता था। उसने अपने भाइयों से कहा, अपने पिता से कहा कि तुम फिरौन के पास जाना और कहना कि हम चरवाहे हैं, हम लड़कपन से चरवाहे हैं, हम भेड़ बकरियों को चराते हैं, हमारा काम चरवाहा करना है, इसलिए हम यहां पर रह के चरवाहा बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मिस्री लोग चरवाहों से घृणा करते थे। दिमाग सही समझिए, यूसुफ प्रधानमंत्री था, क्या वो अपने भाइयों को अंगरक्षक लगा सकता था, सैनिक लगा सकता था राजा का, किसी भी पोस्ट पर खड़ा कर सकता था, सेनापति बना सकता था, उसका व्यवसायी बना सकता था, बहुत बड़ा अधिकारी बना सकता था वो, लेकिन नहीं, उसने चरवाहा बनाया क्योंकि मिस्री लोग चरवाहों से नफरत करते थे, क्योंकि यूसुफ चाहता था कि जैसे यह काल खत्म हो, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने हमें कनान देश दिया है, मिस्र देश नहीं दिया है, इसलिए मुझे कनान देश जाना है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी वाचा, परमेश्वर की वाचा को पूरा करने के लिए वो नहीं चाहता था कि मेरे भाई, मेरा कुटुंब पूरी तरीके से मिस्र में रह जाए और परमेश्वर की योजना खत्म हो जाए, इसलिए वो परीक्षा में स्थिर रहा। आज हम थोड़ा सा, हम कहीं संसार में जाते हैं और थोड़ा सा हमें मिलता है, कहीं से फल मिलता है, किसी दूसरी जगह हमें नौकरी मिल रही है जहां हमें झुकना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, लाख रुपए मिल रहा है, अब इमीडिएट कहेंगे यार कौन देख रहा है। हेलो, यूसुफ परीक्षा में स्थिर क्यों रहा? क्योंकि वो परमेश्वर की योजनाओं को पहला स्थान देता था। यूसुफ के द्वारा इज़राइल मिस्र में गया, जब इज़राइल मिस्र में गए तो वो 70 लोग थे, लेकिन 430 साल के बाद जब वो आए तो तकरीबन 18 लाख लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना, क्योंकि इज़राइलियों के द्वारा परमेश्वर संसार पर खुद को प्रकट करना चाहता था, वो बताना चाहता था इस दुनिया को कि वो कौन है, वो यहोवा हीरे है, वो यहोवा राफा है, वही हमारा ईशु है। हालेलुया मेरे भाई। इसलिए यूसुफ परीक्षा में स्थिर रहा और खरा निकलकर उसने जीवन का वो मुकुट पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मुकुट मेरे भाई आपके लिए भी उपलब्ध है, वो मुकुट मेरे भाई आपके लिए भी उपलब्ध है, लेकिन हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझना होगा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं
कि शैतान तुम में से कुछ लोगों को बंदी गृह में डालने पर है, कलेश पर डालने पर है। अपने आप को संभालो, डरो मत, कहीं परखे मत जाओ। कहीं जो हमने दौड़ दौड़ी है, कहीं जो हमने कुश्ती लड़ी है विश्वास की, वो अधूरी ना रह जाए, हम फेल ना हो जाए, हम असफल ना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से यूसुफ के पास वाचा थी कि परमेश्वर उसे कनान देश में लेके जाएगा, हमारे पास वाचा है कि यीशु मसीह आएगा और हमें स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया। हमें उस वाचा को नहीं भूलना है, हमें यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना है। कितनों को जाना है? हालेलुया। हमें यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना है। इसलिए अपने कलह को पास करिए, अपने दुखों को दूर करिए। हमें यूसुफ बनना है, क्योंकि मेरे पास यीशु की वाचा है, यीशु के शब्द हैं, यीशु के वचन हैं। वो मुझे बोल कर गया है कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए मकान तैयार कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये उसकी वाणी है, उसके मुंह से निकले हुए वचन है। प्रेज द लॉर्ड। उसके मुख से निकले हुए वचन जीवित हैं। इसलिए हमें उस वाचा को, उस दृढ़ता को हमें नहीं भूलना है मेरी बहन। चाहे कोई भी कलेश आ जाए, चाहे कोई भी दुख आ जाए, लेकिन हमें यीशु के लिए तैयार रहना है। हमारे पास वो आशा है। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, आप नहीं जानते कि हमें क्या मिल गया है। यूसुफ जानता था कि मुझे क्या मिल गया, मुझे एक मौका मिला है, परमेश्वर के काम आने का मुझे मौका मिला है। इसलिए वो दासत्व के जीवन में भी आनंदित था। पोतीफर के जीवन में, पोतीफर के घर में दासत्व का जीवन जी रहा था और वो आनंदित था। उसने एक बार ही पोतीफर से नहीं कहा कि मैं याकूब का बेटा हूं, इज़राइल का बेटा हूं, जा और जाके देख कनान में मैं कौन हूं। नहीं, उसने कोई शिकायत नहीं की परमेश्वर से कि परमेश्वर तूने मुझे आपके 17 साल में तूने मुझे दर्शन दिया, तूने बताया कि तू इतना बड़ा बनेगा और तूने मुझे गुलाम बना दिया। नहीं मेरे भाई, अगर आज प्रभु की ओर से परमेश्वर के लिए हमें किसी परीक्षा में अगर निकलना पड़े तो आज धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे परीक्षा में डाला, मुझे शक्ति देता कि मैं उस परीक्षा में खरा निकलूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका ऑफिस का बॉस आपको मना कर रहा है कि साहब आपको चर्च नहीं जाना है, धन्यवाद, आप परीक्षा में, उस परीक्षा से बाहर निकलिए। उसको बताइए, अंगीकार करिए उस बॉस के सामने कि मैं यीशु का पुत्र हूं। मैं यीशु मसीह का चुना हुआ बच्चा हूं। मैं दुनिया छोड़ सकता हूं लेकिन यीशु को नहीं छोड़ सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए यीशु सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, उस यीशु को सुख थामिए, उस यीशु की आशा को थामिए। इसलिए छोटी मोटी चीजों को साइड में रखिए, इनका कोई महत्व नहीं है। आज काम मिला, नहीं मिला, कल मिला, नहीं मिला, आज रोटी खाई, नहीं खाई, लेकिन मेरी रोटी यीशु है। मेरी प्यास बुझाने वाला यीशु है और उसने लहू बहाया है ताकि मेरी प्यास बुझे। यीशु मसीह कोई धर्म लेकर नहीं आए मेरे भाई। वो पहला चोर क्या कहता, तो मुझे बचा। क्या यीशु मसीह उसे बचा नहीं सकते थे? लेकिन यीशु मसीह चाहते थे कि चोर पश्चाताप कर, मांग मुझसे जो तुझे मांगना चाहिए, मुझसे अनंत काल का जीवन मांग, मैं अभी दूंगा तुझे। क्या मांग रहा है तू, क्या मांग रहा है? अपने रोगों का इलाज ये शरीर मांग रहा है तुम मुझसे? ये शरीर मांग रहा है? अरे यीशु ने कहा, मैं आया हूं तुझे अनंत काल का आत्मा देने के लिए। तुम मुझसे ये शरीर मांग रहा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई अस्तित्व नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता। इसलिए मेरे भाई, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का जो सामर्थ है, हमें उसको समझना है। और जिस दिन आप समझ लेंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी।
आपका नजरिया बदल जाएगा। आप चाहेंगे कि मैं परीक्षा में पढ़ूं, डरेंगे नहीं, परीक्षा से भागेंगे नहीं। हालेलुया, क्योंकि परीक्षाएं आपको दृढ़ करेंगी, परीक्षाएं आपको बताएंगे कि आप कितने प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह जो अद्भुत है, जो दयनीय है, जो दीन है, जो नम्र है, जो हमसे प्यार करता है, जिसने स्वर्ग को छोड़ा और हमारे लिए धरती पर आया, वो यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे साथ परीक्षा में हूं। तो अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ संकट में, मैं तेरे साथ हूं। कब? जब तू मुझे बुलाएगा। यशाया 41:10 क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं।